रिवन, कैसे हैं आप सब? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, ठीक है, और जो है किस तरह से दोनों हाउसेज होते हैं और कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक इमेज है, ये इंदिरा गांधी की है। आप देख सकते हो कि इंदिरा गांधी की जो तस्वीर है वो कितनी बड़ी और भव्य सी बड़ी सी बना के रखा है, और बाकी जो मिनिस्टर्स को देखो कितने छोटे छोटे बनाए हुए हैं और वो किस हद तक डरे हुए हैं। ये दिखाता है कि मिनिस्टर्स जो है, अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो किस हद तक जो है पावरफुल होता है। यहाँ देखो वो डर मारे उनकी उल्टी हो गई, यहाँ सारे कागज़ फाड़ फूड़ के फेंक दिए। मीन्स ये दिखाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किस हद तक जो है पावरफुल होता है। यहाँ पर भी जो है पंडित नेहरू की जो है कंडी का एक इमेज दिखा रहा है कि इनके हाथ में जो है अब एक पूरी लिस्ट पड़ी है कि किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है। पीछे नेताओं की पूरी भीड़ लगी पड़ी है कि साहब हमको बना दो हमको बना दो। तो ये दिखाता है कि जो है प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी ज़्यादा पावर होती है, जिसके कारण जो है आप दोनों ही इमेज में देखिए कि किस हद तक जो है बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के खौफ से थर थर काँप रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा सीन है? क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर जो है सुप्रीम पावरफुल है? आइए देखने की कोशिश करते हैं। द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आइडियली और टेक्निकली जो प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्वल ही माना जाता है, बट आज के दौर में पूरी दुनिया में यह ट्रेंड है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो कई गुना बढ़ चुकी है, मल्टीपल टाइम्स जो है, और प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे पूरे गवर्नमेंट में सुप्रीम हो चुका है। याद रखिए, ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन था? प्रेसिडेंट। ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर क्या है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, सिर्फ एक लाइन लिखी है कि वह जो है प्रेसिडेंट को सजेशन देगा। सिर्फ एक लाइन लिखी है और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट इस सजेशन के माध्यम से जो है अब जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में असीम पावर आती है, ठीक है। क्या कुछ पावर है, आइए एक बार जो है देखने की कोशिश करते हैं। आप शायद जो है चीज़ें ऐसे जो है लिस्ट जो है एक जगह कंसोलिडेट किया हुआ है, उससे जो है चीज़ें हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि वो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करवाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने उसका इलेक्शन किया, उसके बाद यह जो है अपने सजेशन देता है कि साहब इसे इसको मंत्री बना दीजिए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट उस लिस्ट में किसी को नहीं हटा सकता। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया इसको डिफेंस मिनिस्ट्री दो, इसको जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री दो, एज इट इज जो है उसका जो है सजेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया था, प्रेसिडेंट उस लिस्ट को नहीं हटाता, ठीक है। तो इस तरह से जो है जितने ही मंत्री बनाने हैं उनका जो है उनको मंत्री बनाने की जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, ठीक। अगेन सबको काम का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर करता है। पिक्चर साफ नहीं होगी तो एक बार जो है आप वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, अगेन कोई मिनिस्टर है काम ठीक से नहीं कर रहा, पीएम को पसंद नहीं आ रहा, हटा सकता है, ठीक। कैबिनेट की जब भी मीटिंग हो रही है वो उसको लीड करता है, ठीक। और जो भी मेजर डिसीजन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही लेता है। अगेन बाकी जो डिपार्टमेंट है, बाकी जो मिनिस्ट्री है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन, जैसे मान लीजिए एक रेलवे लाइन बनानी है, ठीक है, जो चार स्टेट से जाएगी, तो आपको जो है आपको होम मिनिस्ट्री से बात करनी है। अगर वहाँ कोई डिफेंस का एरिया पड़ रहा है तो उनसे बात करनी पड़ेगी, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चूँकि डैम बनेगी और भी बहुत सारे, तो बहुत सारे मंत्रालयों से मिल करके जो डिसीजन होता है, ठीक है, उसमें जो है ये उनको कोऑर्डिनेट करता है कि अगर जो है अलग अलग मंत्रालय में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्लैश आ रहा है, तो ये जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ये जो है डिसाइड करता है कि हाँ किसका सजेशन माना जाएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मंत्री हैं वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, उनको हमेशा प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस जो है वो कैबिनेट से भी ऊपर हो गया। इसलिए जो है प्रेजेंट में मंत्रियों के चार लेवल हो जाते हैं, लेकिन चूंकि बुक तीन लेवल कह रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, तो हम तीन ही पढ़ रहे हैं, ठीक। ही इज़ द मेन स्पोक्समैन मैन ऑफ द मिनिस्ट्री। इवन कि जो सरकार की ओर से जो मेन स्पोक्समैन है वो वही होता है। आप अक्सर देखोगे प्रधानमंत्री के मन की बात आती है, क्यों? वो ये बताते हैं जब भी उनके मन की बात जब आती है तो उससे हमको ये पता चलता है कि सरकार इस समय क्या सोच रही है, सरकार जो है क्या डिसीजन लेने वाली है, ठीक है। अगेन ही इज़ ए लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट।
अगर प्रेसिडेंट को कोई किसी मंत्री से कोई सवाल करना है, ठीक है, मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट तक अपनी बात पहुंचानी है, तो प्राइम मिनिस्टर ही वो लिंक होता है। डायरेक्ट मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता, उसको प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही जाना होता है। अगेन वो प्रेसिडेंट का जो है एडवाइज़र होता है, ठीक है। मेजर अपॉइंटमेंट है, जो भी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के जो है सारी अपॉइंटमेंट करता है, सारे जो टॉप लेवल है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट का जज हो गया, डिफेंस के जो जितने भी सेक्रेटरी हो गए, तो जो भी टॉप लेवल अपॉइंटमेंट होती है सभी में जो है क्या कहते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है उसमें सजेशन देने का काम जो है प्राइम मिनिस्टर का होता है। और नॉर्मली ट्रेंड यही रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिसको रेकमेंड किया उसकी नौकरी पक्की, उसको वो पोस्ट मिल ही जाती है। प्रेसिडेंट जो है उसमें नॉर्मली जो है इंटरफेयर नहीं करता, ठीक। अगेन उसको ये राइट है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दे कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, ठीक है। आपको याद होगा कि लोकसभा के पास पावर थी कि अगर 272 प्लस या जो है 273 एंड अबव जो है लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वोट कर दें, तो उस केस में जो है प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता था, ठीक है। इतना आपने जो है लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जा करके वो वीडियो जरूर निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन जो है पार्लियामेंट कभी ऐसी गलती कर नहीं पाती, लोकसभा ऐसा कर नहीं पाती। वजह क्या है कि अगर जो है लोकसभा ने अब पीएम के खिलाफ जो है प्रपोजल पास कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास कर दिया, उस केस में पीएम जो है सीधा प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस देता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। इट मीन्स सारे के सारे एमपी जो है इमीडिएट जो है वो अपनी पोस्ट से हट जाते हैं और इमीडिएट इलेक्शन होता है। इसलिए लोकसभा भी जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं कर पाती। अगेन ही प्लेज़ अ मेजर रोल इन ऑल पॉलिसी स्टेटमेंट। सरकार की ओर से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी कानून बनता है पीएम की सहमति से, फॉरेन रिलेशन होते हैं पीएम की सहमति से, ठीक है। तो जो भी प्रेसिडेंट के काम आएंगे, अभी आप आगे जा करके देखोगे आपको ये चीज़ डिटेल मिलेगी, सरकार की ओर से ए टू जेड जितना भी काम होता है ना, सरकार के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो जो है कहीं ना कहीं पीएम के कंसल्ट से ही होते हैं, पीएम के हाथ से ही होते हैं। इवन कि जो एनुअल बजट बनता है, जो कि जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, उसकी जो प्रिपरेशन में भी जो है प्राइम मिनिस्टर का गहरा रोल होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के साहब हमको इस फील्ड में पैसा खर्च करना है, हमको डिफेंस पे फोकस करना है, हमको एजुकेशन पे फोकस करना है, तो जैसा पीएम सजेस्ट करता है फाइनेंस मिनिस्टर को भी जो है बजट उसी अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। इस तरह से पीएम जो है होने को तो जो प्रेसिडेंट का एडवाइज़र है, बट एक्चुअल में उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, जैसा कि आप जो है इसमें देख सकते हो। आप चाहो तो जो है उस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, ठीक। तो हमने देखा कि इस तरह से उसके जो डिसीजन है वो फाइनल होते हैं, खासकर जब अगर जो अलग अलग मंत्री आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि साहब हमारे हिसाब से होगा, उनके हिसाब से होगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कह दिया वो फाइनल है। सारे मिनिस्टर जो है वो पीएम की लीडरशिप में ही होते हैं, ठीक है। आप जो है कोई मिनिस्टर ये कहे कि नहीं हमको पीएम की बात नहीं सुननी, अपने मन से काम करना है, नहीं कर सकता। पीएम इमीडिएट उसको जो है पोस्ट से हटा सकता है। पीएम ही जो है अलग अलग व्यक्तियों को मंत्री बनाता है और जब चाहे तब उसका पोर्टफोलियो चेंज कर सकता है। इस तरह से जो पीएम है उसके हाथ में असीम सी पावर आ जाती है। पर क्या वास्तव में पीएम सुप्रीम है? एक लंबे समय तक भारत में ऐसा था क्या कि पुराने दौर में जो है जो पीएम था उसको फुल मेजॉरिटी मिल रही थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और फुल मेजॉरिटी मिल रही थी, इसके कारण पीएम के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर थी। बट आज के दौर में हालात जो है थोड़े चेंज हो रहे हैं, हालांकि इस बार फिर वो हो गया, क्योंकि बीच में 1990s के आसपास से लेकर के 2014 तक, 1990s से लेकर के 2014 तक, ठीक, मोस्ट ऑफ पीरियड में ऐसा रहा कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी, मीन्स किसी पार्टी की जो है किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला। तो हुआ क्या, कई पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाई, कभी 10 कभी 20 कभी 5, ऐसे ऐसे कई पार्टी मिलकर के सरकार बनानी शुरू हुई। इसका असर क्या हुआ कि जब कभी प्राइम मिनिस्टर मनमानी करता था तो उस केस में बाकी जो छोटी पार्टियां थी वो पीएम पर दबाव बनाती थी कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम जो है सरकार से निकल जाएंगे और आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर पार्टी को फुल मेजॉरिटी है, जैसे कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको फुल मेजॉरिटी मिली है, तो जो है इनके हाथ में पावर जो है सुप्रीम है, ये चाहे जैसे डिसीजन लें
इनके डिसीजन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट जब भी कभी भी जो है कोलिशन गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल हो जाती है, वो उस हद तक पावर यूज़ नहीं कर पाता। यहाँ पे अगेन जे एल नेहरू सुप्रीम पावर यूज़ किए, इंदिरा गांधी, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जो इनके पास फुल मेजॉरिटी है, फुल सपोर्ट है इनकी पार्टी का, और पार्टी के लोग जो है वो अपने नेता से बधे होते हैं, तो ऐसे केस में जो है वो सरकार के खिलाफ काम नहीं कर पाते और पीएम की पावर बढ़ जाती है। लेकिन जब कॉलिशन गवर्नमेंट होती है तो छोटी पार्टियां वो पीएम के खिलाफ जो है डिसीजन ले सकती हैं, तो इस केस में जो है पीएम की बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती और छोटी पार्टियां भी दबाव बना ले जाती हैं। ठीक है, कॉलिशन पर गवर्नमेंट क्या थी, जब कई पार्टियों की गवर्नमेंट हो, कई पार्टी जो है मिलजुल करके सरकार बनाए, दैट इज़ कॉल्ड कॉलिशन गवर्नमेंट। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि छोटी पार्टियां सरकार को धमका देती हैं, जो पीएम होता है उसको धमकी दे सकती हैं कि साहब अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम जो है सरकार से समर्थन खींच लेंगे और आपको पीएम पर पोस्ट जो है छोड़नी पड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट में पीएम कमज़ोर होता है। लास्ट टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ये सारी के सारी जो है कोलिशन गवर्नमेंट थी। ठीक है, 2014 के पहले, तो इस कारण जो है उनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल था, और जबकि नरेंद्र मोदी जी हैं इनकी फुल मेजॉरिटी है, तो इस कारण ये डिसीजन बहुत तेज लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी करना हो चाहे लॉकडाउन करना हो, इनको कभी दिक्कत नहीं आई। वजह यही थी कि इनके पीछे जो है फुल समर्थन था इनकी पार्टी का, और दूसरी पार्टियों से इनको मतलब नहीं था क्योंकि इनकी अपनी पार्टी का सपोर्ट था। नेक्स्ट इज़ प्रेसिडेंट। ठीक, अगेन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लाइन कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड है एंड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग सा टर्म आ रहा है कि वो स्टेट का हेड कैसे हो सकता है, वो तो कंट्री का हेड है। अगेन जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है देश। ठीक है, तीन शब्द आते हैं, एक आ गया कंट्री, ठीक है, एक आता है नेशन, एक आता है स्टेट। तीनों में डिफरेंस क्या है, तो जब कंट्री कहते हैं ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, इट मीन्स एक बाउंड्री के भीतर अगर कोई ज़मीन है, ठीक है, उसको कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो कंट्री एक ज्योग्राफिकल टर्म हो गया। नेशन जो है ये एक इमोशनल टर्म है। ठीक, देश आज़ाद हो गुलाम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो एक यूनिटी की फीलिंग रखते हैं दैट इज़ नेशन। स्टेट एक प्योर पॉलिटिकल टर्म है, इसका मतलब ये है कि एक ज़मीन जिसमें आबादी हो, ठीक है, इस आबादी के पास एक गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने की सुप्रीम पावर हो, तो उस केस में इसको जो है हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से देखोगे तो यूपी, असम या तमिलनाडु ये स्टेट नहीं है। क्यों? ज़मीन तो है, आबादी भी है, सरकार भी है, ठीक है, सबके पास अपने सीएम है। लेकिन अगर यूपी ये कहे कि हमको साहब इंडिया से अलग होना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यूपी से असम सरकार ये कहे कि हमको जो है अमेरिका के साथ रिलेशन रखने हैं, अलग कॉन्ट्रैक्ट करना है, नहीं कर सकता। तो क्योंकि जो है इनके पास डिसीजन लेने की सुप्रीम पावर यानी कि सॉवरेनिटी नहीं है, इसलिए यूपी, बिहार, असम, तमिलनाडु, केरला, इनको हम स्टेट नहीं कहेंगे। स्टेट किसको कहेंगे? इंडिया को, याद रखिए पॉलिटिकल सेंस में। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है उसके पास ज़मीन भी है, आबादी भी है, सरकार भी है और अपने फैसले खुद ले सकता है, इसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि हम यूपी को स्टेट क्यों कहते हैं, इंडिया को स्टेट क्यों नहीं कहते? वजह क्या था कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसके अमेरिका की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें 13 अलग अलग छोटे छोटे स्टेट थे। ठीक है, अलग अलग एक तरह से वो उन्होंने जो है अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ करके देश आज़ाद कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये सारे 13 जो स्टेट्स थे, आज के दौर में 50 हो गए, ये सारे लोग मिल करके एक कंट्री बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके हाथ में पावर ज़्यादा रहेगी। ठीक, वो जो है अपने आप में अंदर से इंडिपेंडेंट रहेंगे, आज के दौर में नहीं है। तो वहीं से हमने इस सिस्टम को कॉपी कर लिया और अपने जो है जो भी जो प्रोविंसेस हैं उनको हम स्टेट कहते हैं। बट एक्चुअल में टेक्निकली पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में देखें तो इंडिया इज ए स्टेट, यूपी बिहार इज नॉट एन स्टेट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वो पूरे स्टेट का हेड है यानी कि कंट्री का हेड है और प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड है हमारे। अच्छा, अब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, असीम पावर है। ठीक, लेकिन वो जो पावर है वो नॉमिनल है, कैसे हम आगे देखेंगे। ठीक, हमारा जो प्रेसिडेंट है ब्रिटेन की जो है क्वीन के जैसे है। ठीक है, एक बार जो है प्रेसिडेंट की पावर को देख लेते हैं, क्या कुछ पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है।
तो सबसे पहली जो पावर है दैट इज़ लेजिस्लेटिव पावर। इसमें क्या है, देश में कोई भी कानून जो है प्रेसिडेंट के साइन के बिना नहीं पास हो सकता, जब तक वो साइन नहीं करेगा वो कानून बन ही नहीं सकता। एग्जीक्यूटिव पावर, इसका मतलब क्या है, देश में कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करना है तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, ठीक है, बिना सरकार की परमिशन के एक सड़क नहीं बन सकती, एक जो हॉस्पिटल नहीं खुल सकता, सारा ऑर्डर जो है, हालांकि ऊपर से एक जनरल ऑर्डर आता है कि देश में हमें 10,000 केंद्रीय विद्या सॉरी 1,000 केंद्रीय विद्यालय खोलने हैं, ठीक है, नए हाईवे बनाने, तो एक डिसीजन लिया जाता है, लेकिन जो भी जो बड़े डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट लेता है। जुडिशियल पावर, उसके पास कुछ जुडिशियल पावर है, ठीक है, जुडिशियल पावर में क्या होता है, कोर्ट के जस्टिस को जो है अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, कुछ लोग जिन्होंने क्राइम किया हुआ है चाहे तो वो उसको माफ़ी दे सकता है। अपॉइंटमेंट पावर, जितने भी टॉप लेवल पोस्ट हैं, सारे सेक्रेटरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो कि जो चेयरमैन हो गए, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, चीफ विजिलेंस कमीशन हो गया, तो उनके जो हेड हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। फाइनेंशियल पावर, देश का जो भी बजट है जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा बजट पे एक रुपए खर्च नहीं हुआ। डिप्लोमेटिक पावर, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करती है उस पर सिग्नेचर प्रेसिडेंट के होते हैं। मिलिट्री पावर, अब जो प्रेसिडेंट है वो देश की तीनों सेनाओं का हेड है, ठीक है, जितने भी फौजें हैं उन सबका हेड जो है प्रेसिडेंट ही है। पार्डनिंग पावर, अगर कोई किसी ने कितना भी क्राइम किया हुआ, मर्डर भी किया हुआ है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है। एमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर जो है स्पेशल पावर्स हैं कि अगर देश में कुछ इमरजेंसी आती है, अचानक से विद्रोह हो गए, दंगे भड़क गए, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई, तो जो है राष्ट्रपति के पास जो है गवर्नमेंट चलाने की एक्सट्रीम पावर मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी पावर को अगर आप देखो तो आप देखोगे कि प्रेसिडेंट के पास अनबिलीवेबल अनलिमिटेड पावर दिखती है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। है क्या, इन सारी पावर्स को यूज़ करने के लिए एक टर्म लगा दिया गया कि आप ऐसा जो है पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परमिशन के सजेशन पर ही करोगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो ये सारी पावर यूज़ करता है वो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पे करता है, और ये सजेशन कंपलसरी होता है। यू कैन इमेजिन कि एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसको बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन वो एक छोटी बच्ची को जो है, उसकी एक छोटी बेटी है, और वो हर बात अपनी बेटी से पूछ के करता है, तो एक्चुअल पावर किसके पास आई, उस राक्षस के पास या उसकी बेटी के पास, नेचुरली उसकी बेटी के पास। तो कहानी यही है, प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल है, नाम के लिए है, एक्चुअल पावर उसकी कौन यूज़ करता है, तो वो हो जाता है प्राइम मिनिस्टर। क्यों, क्योंकि जो है प्राइम मिनिस्टर के सजेशन कंपलसरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्रेसिडेंट के साइन के बिना कानून पास नहीं होगा लेकिन उसको साइन करना ही है, वो इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक। जो अपॉइंटमेंट है, अगेन अपने मन से नहीं कर सकता, पीएम के सजेशन से ही। बजट, पार्लियामेंट के सजेशन से ही करना है। जो अपॉइंटमेंट है, मिलिट्री की पावर है, जो भी डिसीजन लेना है वो भी आपको सजेशन से ही करना है, ठीक। फॉरेन रिलेशन है, ठीक है, विदेशी दे अदर कंट्री से रिलेशन रखना है, वो भी पीएम के सजेशन पे ही करना है। सारी डीलिंग आप देखोगे, दिन भर मोदी जी हमेशा जो है फ्लाइट ले करके दुनिया भर के कंट्री में घूमते रहते हैं, तो सारा समझौता वो करके आते हैं, फाइनल जो पीएम है, प्रेसिडेंट है सॉरी, वो सिर्फ अपना साइन करता है। इसीलिए जो है उसको रबर स्टाम्प भी कुछ लोग कह देते हैं, प्रेसिडेंट को एज ए रबर स्टाम्प कह देते हैं। क्यों, क्योंकि जब सारा काम आपको प्राइम मिनिस्टर से पूछ के ही करना है तो फिर हमारे पोस्ट होने का न होने का मतलब क्या है, ठीक, इसलिए जो ऐसा कहते हैं। अब जो है एक सवाल आता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो सीधे जनता नहीं करती, इसका प्रोसेस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आराम से ध्यान से सुनना और समझना, अदरवाइज जो है थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को एक बार फिर से बैक कर लेना, ठीक। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको जो है एक क्या कॉलेजियम जो है उसका इलेक्शन करती है। इसका सिस्टम क्या है, उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जो कि जो है इसके लिए वोट करती है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, 543 लोकसभा के मेंबर, ठीक है, दो नॉमिनेटेड हैं उनको काउंट नहीं करते, 233 राज्यसभा के मेंबर, अगेन 12 नॉमिनेटेड है उनको काउंट नहीं करते, तो टोटल 776 एमपी हो गए और देश भर में 4120 एमएलए हो गए, ठीक। इस तरह से 4896 लोग वोट करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पार्लियामेंट के भी और असेंबली के भी, इतने सारे लोग जो है वोट करते हैं, ठीक।
अब यहाँ एक और चीज़ है जो यहाँ पे एमपी और एमएलए का वोट एक नहीं माना जाता, उसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जब भी वोटिंग होती है अगर एक एमएलए है तो करते क्या है, उस स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें नंबर ऑफ़ एमएलए को डिवाइड कर देते हैं और अगेन जो वैल्यू आती है उसको 1000 से फिर डिवाइड करते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर एमपी का जो वोट है तो जितने वोट जो है सारे एमएलए को मिला करके मिले, ठीक है, उन सारे वोट में फिर से जो है नंबर ऑफ़ एमपी डिवाइड करते हैं तो एक एमपी का वोट बनता है। ठीक, यहाँ पर जो है जैसे नॉर्मली इलेक्शन में क्या होता है, एक आदमी एक वोट देता है, ठीक, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक आदमी एक वोट नहीं देता, वो एक आदमी के पास मल्टीपल वोट्स आते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जैसे जो तेलंगाना के एक एमएलए की वोट कितनी है, तो टोटल 190 जो है असेंबली की सीट्स है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है 1971 के हिसाब से 1.757 करोड़ थी। ठीक, तो हमने क्या किया, वन टोटल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ़ एमएलए इनटू 1000 जो है डिवाइड किया, तो एक एमएलए की जो वोटिंग पावर आई वो 132, ठीक, मीन्स एक एमएलए 132 वोट देगा। ठीक, तो इस तरह से 119 एमएलए कुल मिलाकर के 15,708 वोट देंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसी तरह से इसने पंजाब का कैलकुलेट किया है, तो टोटल वोट हो गए जो है पर एमएलए की जो वोट की वैल्यू हो गई 116। ठीक, इसी तरह से अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू 208, पंजाब में 116, यूके उत्तराखंड की 64, तो अलग अलग स्टेट के जो एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है। इसी तरह से उसी फार्मूले से काउंट करने के बाद एक एमपी के वोट की वैल्यू जो है 708 आई। ठीक, याद रखिए हर इलेक्शन के बाद जो है चूँकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, घटती तो खैर नहीं है, तो इस वोट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, सारे लोग वोट डालते हैं। अच्छा, इनके वोट का भी पैटर्न अलग होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हर आदमी जो है एक वोट डाल करके आता है, जिसको आप पसंद है उसके सामने जो है आपने बटन दबा दिया। इनकी कहानी नहीं है, जैसे मान लो तीन लोग अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो आपको प्रेफरेंशियल वोट करना होता है कि किसी को आप 1 लिखेंगे, किसी को 2 लिखेंगे, किसी को 3 लिखेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे तो ए को 1 कहिए, 3 को 2 कहिए, इसको 3 कहिए। ठीक, इससे क्या होता है, जब वोटिंग हो फाइनली सबके वोट आ गए फिर काउंटिंग शुरू होती है। सबसे पहले एक नंबर वाला वोट जो है उठाना शुरू होता है। ठीक, सबका जो है कि कैंडिडेट ए को कितने, जैसे जो है कैंडिडेट ए है, ए को कितने एक नंबर वाले वोट मिले, बी को कितने एक नंबर वाले वोट मिले, सी को कितने एक नंबर वाले वोट मिले। ठीक, और सारे वोट को काउंट करने के बाद ये देखा जाता है कि मान लीजिए जो है अगर 1000 वोट पड़े होते, कई लाख में है, तो जिसको भी 50% से ज़्यादा सीटें में वोट मिल गए, 50%, ठीक, उसको जो है विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर 2 नंबर वाला वोट काउंट किया जाता है। ठीक, और इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है। नॉर्मली जो है फर्स्ट वोटिंग में ही काम हो जाता है, बट अगर एक नंबर वोट से जो है व्यक्ति जीता नहीं तो फिर जो है सेकंड वो नंबर वोट किसको कितना मिला वो काउंट होना शुरू होता है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये आपके इलेक्शन आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, नॉर्मली जो ये सब हायर क्लासेस में डिटेल मिलता है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दिया, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगेन इसकी पावर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनका जो है शपथ ग्रहण हो रहा है कि मतलब इलेक्शन जीते और जीतने के बाद जो है प्रेसिडेंट शपथ इनको दिलवा रहे हैं। ठीक है, आप प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है, ऑलरेडी बता दिया गया था कि जो भी चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, अलग अलग जो है एम्बेसडर हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इन सब का अपॉइंटमेंट यही करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट होते हैं, अलग अलग कंट्री से समझौते होते हैं, इसमें भारत बहुत सारे जो वेपन्स खरीद रहा है वो सारे वेपन्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं वो सब प्रेसिडेंट के ही साइन होती है। अगेन जो प्रेसिडेंट है वो सारे आर्मी का कमांडर है, बता दिया हुआ ऑलरेडी, तो ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक, लेकिन ये सारी पावर वो कब यूज़ करेगा, जबकि जो है उसको जो है मिनिस्टर जो है सजेस्ट करेंगे। ठीक है, बिना उनके सजेशन के अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता। तो इस तरह से जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर जो है वो लिमिटेड हो जाती है, एक्चुअल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ जाती है। ठीक, आप प्रेसिडेंट के पास वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट के जो सजेशन है वो कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता है,
या फिर उसको बैक कर सकता है कि साहब इस बिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप इसको मॉडिफाई करो। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसी बिल को एज इट इज पास कर दिया तो आप उस प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता, उसको जो है उसको फॉलो ही करना पड़ता है। ठीक, तो सवाल यह है कि प्रेसिडेंट की एक्चुअल पावर काम कब आती है। कई बार क्या होता है जब कॉलिशन गवर्नमेंट होती है और किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, ठीक है, किसी पार्टी को क्लियर जो है मेजॉरिटी नहीं मिली, उस केस में प्रेसिडेंट अपना कॉमन सेंस यूज़ करता है। उसको लगता है जो बंदा जो है इजीली मेजॉरिटी ला सकता है तो वो उसको जो है अपॉइंट, उसको जो है इनवाइट करता है कि आप आइए सरकार बनाने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी ही है कि कॉलिशन का टाइम, जबकि किसी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिली, उस केस में ये अपने मन से किसी को भी बुला सकता है कि ठीक है साहब आप आइए और अपनी मेजॉरिटी साबित कीजिए। लेकिन अगेन अगर उसकी जो है लोकसभा मेजॉरिटी साबित नहीं हुई तो उसको सरेंडर करना ही करना है। ठीक है, अब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। इंडियन जो इलेक्शन सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ है, तो बेसिकली ये अमेरिका में है। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा जो है इसको देख लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम में अंतर क्या क्या है। ठीक, पार्लियामेंट्री में जो है ड्यूल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक, एक जो है प्रेसिडेंट हो गया और एक जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। ठीक, दो जो है अलग अलग सिस्टम हो गए। ठीक, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एक ही प्रेसिडेंट होता है। ठीक, पहले इसका स्ट्रक्चर जान लो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता क्या है, अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दो लेवल पे इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या था कि एक जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट से ही कुछ लोगों को जो है पीएम और बाकी मिनिस्टर्स बना दिया गया था। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट थे उनका भी चुनाव जो है ये पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लोग मिलके कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से सारी पावर जो जनरेट हो रही थी वो इस पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली से ही आ रही थी। अमेरिका में क्या होता है कि दो होती है, उनके लिए जो पार्लियामेंट के लिए जो टर्म आता है दैट इज़ कांग्रेस। ठीक है, अमेरिकन जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव का अलग इलेक्शन होगा और प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होगा। तो इस तरह से दो अलग अलग बॉडी बन जाती है, कांग्रेस अलग, प्रेसिडेंट अलग। ठीक है, इंडिया में क्या है कि जो पार्लियामेंट है इसी पार्लियामेंट से जो है सारे जो है मिनिस्टर्स आते हैं। तो इस तरह से दो पार्ट में इलेक्शन नहीं होता और दोनों जो है एक साथ ही रहते हैं। अमेरिका में क्या है, दोनों अलग अलग हैं, प्रेसिडेंट एक अलग बॉडी है और जो कांग्रेस एक अलग बॉडी है। अगेन प्रेसिडेंट जो है अपने मन से मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर लेता है, वो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के मेंबर्स हों। ठीक है, इंडिया में क्या है, कंपलसरी है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं वो इस पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। अगर जो है सॉरी एक मिनट तो अगर जो है सॉरी अगर जो है आप प्रेसिडेंट ने किसी को जो है मिनिस्टर बना भी दिया है जो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उस केस में विद इन 6 मंथ उसको पार्लियामेंट ज्वाइन करना ही पड़ता है। बट अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट ने किसी को मिनिस्टर बनाया है तो वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होगा। ये जो है बेसिक डिफरेंस है। एक और चीज़, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में सुप्रीम पावर आती है। ठीक है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का पावर होता है। तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा सा और जो है इन डिफरेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं कि जो है यहाँ पर सरकार किसकी है, मेजॉरिटी पार्टी का। ठीक है, जिस भी जो है पार्टी को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली है उसका रूल चलता है। अमेरिका में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो अलग से इलेक्शन जीतता है, जो कांग्रेस में है उसकी मेजॉरिटी हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सरकार है उसमें पीएम और जो पार्लियामेंट है दोनों जो है साझा जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर क्या है, कांग्रेस अपने काम के लिए अलग रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट अपने काम के लिए अलग रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, इसका मतलब क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो सरकार का भी हेड है, एट द सेम टाइम लोकसभा में भी जो है उसकी जो है बहुमत है। तो एक तरह से दोनों जगह जो है सिमिलर लोग ही होते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में भी है और अलग भी है। यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर होमोजेनिटी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ दोनों अलग अलग हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की होती है, सॉरी
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की होती है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट की होती है जो है प्रेसिडेंशियल में। ठीक, यहाँ पर जो है लोअर हाउस डिसॉल्व हो सकती है। यहाँ पर अगर मान लो जैसे पीएम जो है रिज़ाइन कर देता है और पीएम सजेस्ट करता है कि हाउस को डिसॉल्व किया जाए, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है सॉरी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। अमेरिका में प्रेसिडेंट चाहे कि जो कांग्रेस है वो डिसॉल्व हो जाए, नहीं हो सकती। ठीक, यहाँ पर पावर मिक्स है क्योंकि जो भी मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट से ही आते हैं, या अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो टोटली अलग हैं, तो इसलिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर साफ साफ सेपरेट है। अमेरिका में जो पावर है साफ साफ सेपरेट है, और हमारे यहाँ क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो एक तरह का फ्यूज़न है। ठीक है, एक तरह का मिक्सअप है। अगेन वही बात है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर एक साथ मिक्स होती है। ठीक, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों एक साथ होते हैं, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेटिव साफ साफ अलग होती है, सिर्फ कांग्रेस है, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं है, और जो है जो एग्जीक्यूटिव है वो टोटली अलग है। ठीक, यहाँ पर जो है एक कॉमन इलेक्शन होता है जिसमें पीएम चूज़ किया जाता है, यहाँ पे सेपरेट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का अलग हुआ, ठीक, और जो है कांग्रेस का अलग हुआ। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ठीक, जो गवर्नमेंट है मीन्स जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रेसिडेंट में जो प्रेसिडेंट है या फिर जो है मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर जो है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसकी मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में, इस कारण प्राइम मिनिस्टर के प्रति कॉन्फिडेंस होता है। ठीक, प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि जो जो कांग्रेस है वहाँ पर जो है सरकार को के पास बहुमत बिल्कुल भी ना हो। ठीक, यहाँ पर स्ट्रांग पार्टी डिसिप्लिन होता है, यहाँ पर जो है कई बार लोग अपने पार्टी के खिलाफ भी जाके वोट दे सकते हैं। ठीक, पार्लियामेंट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल टर्म ऑफ ऑफिस, यहाँ पर कि जो है जो भी प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है ये टाइम से पहले भी रिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या है कि अगर जो है लोकसभा ने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट कर दिया तो टाइम से पहले भी जो है पीएम को रिज़ाइन देना पड़ सकता है। इंडिया में कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, 4 साल के लिए चुना गया तो 4 साल वो रूल करेगा ही करेगा। नॉर्मली अगर डेथ ना हो या खुद से रिज़ाइन ना कर दे तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कैबिनेट जो है वो लेजिस्लेटिव सिस्टम पर प्रभाव रखती है। क्यों? क्योंकि जो है पीएम के पास मेजॉरिटी होती है तो पीएम की ही चलती है। यहाँ पर क्या है, जो कांग्रेस की जो कमेटी होती है अमेरिका में, जो उनकी पार्लियामेंट है कांग्रेस, तो उनके हाथ में पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन पर सरकार का दबाव नहीं होता, उनका एक सेपरेट इलेक्शन होता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इतना इतना डिटेल में आना नहीं है, बट क्योंकि आपकी जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट इज जुडिशरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, धन्यवाद।